नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मेष राशि वालों का आने वाला 2 दिन यानी कि 14 जनवरी और 15 जनवरी का दिन कैसा बीतेगा। इन 2 दिनों में मेष राशि वालों के जीवन में क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या बदलाव होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो के नीचे हरे हरे महादेव कमेंट कर दें और वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का प्रयास करें, क्योंकि यह वीडियो आपके आने वाले 2 दिनों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी है। मित्रों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लिंक पर क्लिक करें और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आने वाले 2 दिनों में अगर आपके सेहत की बात करें तो सेहत के दृष्टिकोण से आपका आने वाला समय सामान्य से बहुत ज़्यादा नीचे है। दोस्तों, आने वाले समय से पहले अगर आप बीमार थे, अगर आपका स्वास्थ्य आपका साथ नहीं दे रहा था, तो आने वाले समय में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको परेशानी का सामना बहुत ज़्यादा करना होगा। वैसे अगर आपके धन संपत्ति की बात करें तो पैसों के दृष्टिकोण से आपका आने वाला समय बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार होगा। आने वाले 2 दिनों में आपको पैसे कमाने का मौका बहुत ज़्यादा मिलेगा। आने वाले समय से पहले अगर आपका पैसा कहीं रुका हुआ था, किसी भी कारण से अगर आपका पैसा आपको नहीं मिल रहा था, तो आने वाले 2 दिनों में आपका रुका हुआ धन आपको अवश्य मिलेगा। मित्रों, आने वाले समय में अगर आपके प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आपका आने वाला समय सामान्य से बहुत ज़्यादा नीचे है। दोस्तों, आने वाले समय से पहले अगर आपने अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका से कोई भी वादा किया था, कोई भी प्रॉमिस किया था, तो आने वाले समय में आपको अपने वादे को, अपने प्रॉमिस को निभाना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपके प्रेम संबंध में आपको परेशानी का सामना बहुत ज़्यादा करना होगा। तो यही था आपके आने वाले 2 दिनों का राशि फल। तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले 2 दिनों में किस टोटके को आजमाने के बाद आपका समय बेहतर और शानदार होगा। मित्रों, टोटका बहुत ही ज़्यादा सामान्य है। आने वाले 2 दिनों में आपको साधु, संत, महात्मा, इन लोगों की सेवा करनी चाहिए, इन लोगों की सहायता करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका आने वाला समय बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो के नीचे जय हनुमान कमेंट कर दें, इस वीडियो को आप हर जगह शेयर कर दें। धन्यवाद।